दोस्तों, यह कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि एक छोटे से परिवार में एक आदमी अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक झोपड़े में रहता था। उन्हीं के बीच एक नेवला भी रहता था। वह उन लोगों के साथ इतना घुल मिल चुका था कि वह भी उस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गया था। एक सुबह जब वह आदमी खेत में काम करने चला गया और उसकी पत्नी भोजन बनाने के लिए गांव के कुएं से पानी भरने चली गई, घर पर उनका छोटा सा बच्चा जमीन पर उसी झोपड़े में खेल रहा था और वह नेवला भी बच्चे से थोड़ी दूर पर ही लेटा हुआ था। तभी नेवले की नजर एक सांप पर पड़ती है जो उस बच्चे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। नेवला फौरन बच्चे की सुरक्षा के लिए सांप के सामने आ गया। फिर क्या था, दोनों में खूब लड़ाई हुई और अंत में नेवले ने सांप को लहूलुहान करके मार दिया। नेवले के मुंह पर भी सांप का बहुत सारा खून लग गया था। थोड़ी देर में जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरकर घर आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है, तो उसने सोचा कि नेवले ने कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं काट लिया। उसने तुरंत पानी की मटकी उस नेवले के ऊपर पटक दी। बेचारा सांप से लड़कर थका मादा हुआ नेवला, जो सोच रहा था कि अभी उसका मालिक आएगा और उसे शाबाशी देगा, वह पानी की मटकी उसके ऊपर गिरते ही वह तुरंत ही मर गया। और वह औरत तुरंत झोपड़े में जाकर देखी तो उसका बच्चा झोपड़े में खेल रहा था और झोपड़े के कोने पर एक सांप मरा हुआ था। दोस्तों, हमें भी किसी घटना की पूरी तरह जानकारी लिए बिना किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम इन आंखों से देखते हैं वो सत्य नहीं होता।